इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कलम आप भगवान के पावन विवाह महोत्सव का दिव्य दर्शन प्राप्त किए। विवाह भारतीय समाज का मेरुदंड है। मैं प्रसंग बार बार स्मरण करता हूँ। भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि के आदि माता पिता सत्य स्वरूप सतरूपा जी और मनु जी के स्वरूप को एक ही अंश से प्रगटाया और सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा उसका एक विधान दिया। ऐसे ऐसे जीव चलेगा फिर वो परमार्थ सिद्ध करेगा। श्रद्धेय मनु जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति में हमारे आपके लिए मानव मात्र के लिए व्यवहार का विधान है, उसको मनुष्य का संविधान कह सकते हैं। राज परंपरा से ग्रंथ प्रकट हुआ इसलिए थोड़ी कठोरता भी है उसमें, उन्हीं बातों को लेकर कई बार विवाद भी होता है मनुस्मृति पर, जो नहीं देखे वो भी बकबक करते हैं। लिखा बहुत है, आपको जब अच्छा लगता है स्वीकार कर लो, नहीं लगता है प्रणाम करो। जीव की चेतना ही किस स्तर की है। चारों भाइयों का विवाह गुरु आज्ञा से मिथिला में संपन्न हुआ। दिव्य जनवासा भया मरजाद भाई और फिर बारात चलकर मिथिला से श्री अवध आई। क्या सुनाना है? परिवार में कुछ विशेष हो तो मैं वो सुना। तो विवाह जिसका हुआ है वो जानता है कि विवाह होते ही कर्तव्य बोध बढ़ जाता है। विवाह एक ऐसा अनुबंध है जिसमें आप उठा पटक कितना भी करेंगे चलना उस हद में ही रहेगा, हद में उछलना कूदना है। विवाह एक आनंदमय जीवन है। कर्तव्य का बोध हो जाता है, व्यवहार का साधन सिद्ध हो जाता है। विवाह नहीं है तो जीव भय रहित रहता है, लेकिन विवाह होने पर धर्म का, पुण्य का, सत्कर्म का, परिवार का, वो सबका संहार करता हुआ भय सहित रहता है, कहीं कर्तव्य पथ पर चूके ना। एक संस्था है विवाह। संस्था में जो भी लोग सम्मिलित होते हैं सब अपने अपने कर्तव्य के अनुसार चलते हैं। कोई भी व्यक्ति कर्तव्य से च्युत नहीं होता है। हर आदमी का कर्तव्य निश्चित है। अध्यक्ष जी कुर्सी पर बैठेंगे, कोषाध्यक्ष जी कोष संभालेंगे, महासचिव जी लिखा पढ़ी देखेंगे, कार्यकारिणी हाँ ना करेगी, एक एक व्यवस्था है।
परिवार में भी व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस परिवार के जीवन में, जिस संस्था के जीवन में सबका कर्तव्य निश्चित है, वो सब प्रसन्न रहते हैं। क्यों? सब अपना कर्तव्य कर करके और उसकी सूची खाका व्यवहार उपस्थित करते हैं। जहां कर्तव्य का अतिक्रमण हुआ वहां उद्वेग उत्पन्न होता है, और अतिक्रमण के पश्चात जब उद्वेग उत्पन्न होता है तो विघटन होता है। इसलिए कर्तव्य का बोध सबको होना चाहिए, किसको क्या करना है सबको सबका पता भी हो। जब पता रहता है तो व्यवहार करने में आनंद आता है, नहीं तो आनंद रस नहीं मिलेगा। आपको कई लोग घरों में मिलते हैं, मैं क्या करूं, मेरे को तो कुछ बताया ही नहीं गया, झाड़ू लगाओ, दरवाजा खाली पड़ा है। अच्छा, आश्चर्य है, ये लोग जिनको पता नहीं रहता है वो भोजन में सबसे पहले हाजिर हो जाते हैं। वो तेरे को किसने बताया भाई? भोजन की थाल पर बैठना किसी ने पकड़ के बिठाया? जीवन में जिसके प्रमाद रहता है उसको कहीं पता नहीं रहता है, उसको पता चलता है 60 के बाद, क्योंकि संहार करने वाले तो समझा लेते हैं, जिला देते हैं, निभा लेते हैं भैया, लेकिन जो अगली पीढ़ी आती है ना वो देखकर कोसती है। इसलिए हम लोग अपने अपने कर्तव्य पथ को समझे, जाने और उसका पालन करें। मनुष्य का जीवन कर्तव्य बोध के लिए है, तो चाहे प्रेम भूषण हो चाहे संजीव पांडे हो, करना वही पड़ेगा जो करना है। वक्ता यजमान कोई भी बचा नहीं है, सबको अपना बोध होना चाहिए। सबके जीवन में एक विधा हो, विधान हो, व्यवहार हो, तिथि हो, मिति हो, दिन हो, वार हो, क्या करना है इसका बोध होना अनिवार्य है। जिसको भी जितना चढ़ना है, जितना गतिमान होना है, उतना सक्रिय होना होगा। अकर्मण्यता कुछ प्रदान नहीं करती। अवध में आए 7 दिन विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या वास किए। शुभ मुहूर्त देख करके वर कन्या के कंगन छोड़े गए। जब सब संपन्न हो गया तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राजन हमको भी विदा करें। हाँ महाराज, विदा करें। स्मरण करिएगा, बहुत जब आग्रह आया तब चक्रवर्ती जी ने साज सजाया, मां ने विश्वामित्र जी की विदा कहा और हाथ जोड़कर कहने लगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक ए श्री अवध की सब संपदा आपकी है, मैं पुत्र और पत्नियों सहित आपके चरण का सेवक हूं। अकेले नहीं, सब परिवार आपका सेवक हूं।
जैसे महामुनि मेरे पर आपने कृपा बरसाई है, ठीक इसी प्रकार करब सदा लरिकन पर छो आदर्शन रहब जैसे आपकी कृपा मेरे पर बरसी। क्या कृपा बरसी? हमने नहीं बुलाया, आप आए, राम लक्ष्मण को मांग कर ले गए। यज्ञ रक्षा उपरांत मिथिला ले गए, धनुष यज्ञ में सम्मिलित करवाए, राम जी के विवाह का सुयोग बनवाए। और हम तो गए थे एक विवाह करने, आपने चारों का संयोग बना दिया। ये चक्रवर्ती जी कहते हैं करब सदा दर्शन दर्शन महाराज कहते हैं कि यदा कदा हमको भी दर्शन देते रहिए। देखिए वो द्वार भाग्यशाली हैं जहां कोई संत महापुरुष आते जाते बने रहे, वो जिह्वा भाग्यशाली है जो राम गुण गाती रहे, ओ मन सौभाग्यशाली है जो राम जी में रमता रहे, वो चरण सौभाग्यशाली है जो भगवत तीर्थ भगवत कथा में जाने के लिए उद्दत हो, ओ घर सौभाग्यशाली है जहां भागवत जन्म ले लिया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।